अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू वायरल इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स। छोटों को प्यार, बड़ों को सलाम। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ ज़बरदस्त सा कढ़ी पकोड़ा, और बहुत ही इंस्टेंट बनाएंगे हम ये कढ़ी। एक ही घंटे में बनकर रेडी हो जाएगी हमारी कढ़ी, तो एक बार मेरी भी रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और पहले मिलकर बनाते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है मेरी। तो यहाँ पर मैंने हाफ के जी दही लिया है, इसमें खट्टा पानी भी ऐड किया है जिसे लस्सी कहते हैं। 1 कप मैंने भर कर, थोड़ा मेरा कप खाली था तो मैंने इसमें थोड़ा सा और बेसन ऐड किया है। 1 कप भर कर मैंने दही लिया है, अदरक लहसुन पेस्ट लिया है, और हल्दी, धनिया, मिर्च, पिसी हुई मिर्च, ये सब ऐड करना है। नमक भी ऐड करना है और बस इसको अच्छे से फेंटना है हमें। इतना फेंटना है हमें, हल्दी, बेसन, दही, नमक, सारी चीज़ें, मसाले एक ही हो जाएं और एक ही पेस्ट हमें, एक ही बैटर सा नज़र आने लगे। अच्छे से फिटाई करनी है इसकी हमें, और फिटते फिटते ये जो बीटर है ना, ये ज़बरदस्त है। इसकी तारीफ मैं हमेशा ही आप लोगों से करती हूँ कि एक ले लें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपकी। और ये जिस तरीके से ये थोड़े बहुत लम्स नज़र आ रहे हैं ना, बस अच्छे से हमने इसको फेंटना है। और आप चाहें तो इसको स्ट्रेन भी कर सकते हैं। मैं स्ट्रेन ऑलरेडी कर चुकी थी, मैंने दही स्ट्रेन नहीं किया था, बेसन कर चुकी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली चढ़ा दी है बस कढ़ी। और इसको फेंटते फेंटते हमने पानी और शामिल करना है, और अच्छे से साइडों वाइडों को साफ़ करके हम इसको चढ़ा देंगे पतीले को चूल्हे के ऊपर। अच्छा, चूल्हे के ऊपर हम चढ़ाएंगे, तकरीबन 1 घंटे के अंदर हमारी कढ़ी बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा। और थोड़ा बहुत तो आप जो ऊपर देख रहे हैं ना कि इसके नज़र आ रहा है मसाले वगैरह, वो अभी सभी एक हो जाएंगे, अभी आप आगे देखिएगा। अब आती है पकौड़ों की बारी। तो अब हम पकौड़ों का मिक्सचर रेडी कर रहे हैं, बनाकर हम साइड में रख देंगे बैटर, तो वो ज़बरदस्त हमारे पकौड़े फूले फूले बनेंगे। अगर आप एंड टू एंड बनाएंगे तो इतने अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसमें भी हमने हल्दी, पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च, अजवाइन, ज़ीरा और धनिया भी शामिल कर सकते हैं, मैंने नहीं किया। यहाँ पर पानी से फेंट लेंगे अच्छे से और इसको साइड में कर देंगे। अब बारी है, एक बार मैं आप लोगों को कढ़ी का सीन भी दिखा देती हूँ। तो ये कढ़ी हमारी बिल्कुल स्मूथ सी और ज़बरदस्त सी हो गई। कलर देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा है इसमें। और जब बॉयल आ रहा हो ना, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वॉशरूम वगैरह सब हो आए, सब जो काम करने आपको पहले ही कर ले जब कढ़ी चढ़ा रहे हो ना। तो बस बॉयल आने तक आपको कढ़ी के पास ही रहना, और ये नज़र का टीका लगाएंगे हम इसको, कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे, नज़र के लिए नहीं रखेंगे। इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, कड़ी पत्ता अगर ऐसे शामिल कर देते हैं डंडियों के साथ दिया था। अब आ गई बच्चों की फरमाइश कि हमें पकोड़े बना कर दें, किसी की फरमाइश ये चिप्स वाले पकोड़े हैं और किसी के हैं फ्रेंच फ्राइज वाले पकोड़े। तो सभी को अपनी अपनी पसंद के चाहिए होते हैं। ये आ गए हमारे हाशिर, इनसे मैं रिव्यू ले रही हूँ, मगर ये एग्री ही नहीं होंगे वीडियो बनवाने के लिए। हाशिर आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे, प्लीज़ मुझे थोड़ी सी वीडियो बनाने दो। मेरे पकोड़े तो सारे खाए जा रहे हो हाशिर, लेकिन थोड़ी सी वीडियो तो बनाने दो, कैसे बने। हाशिर छुप छुप के मुझसे खा रहे थे, यहाँ बैठ रहे थे, कभी वहाँ बैठ रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी। हाशिर थोड़ी सी वीडियो बनाने दो, हाशिर मुझसे पीट कर करके खा रहे थे। हाशिर से जो बड़े वाले बेटे हैं वो, उनके लिए ये फ्राइज वाले बनाए हैं मैंने पकौड़े, उन्हें फ्राइज वाले पसंद है। तो हाशिर आ गए थे, तो मैंने उनको पकड़ लिया कि भाई वीडियो बनवाओ, तो वो रोने चीखने चिल्लाने लगे कि बहुत ही ज़्यादा मूडी लड़का है ये हमारा हाशू, और बिल्कुल नहीं सुनता हमारी कहना, और इतने शरारतों में पूरा हुआ हुआ होता है। जब मैं कैमरा बंद कर देती हूँ तो मुझसे बोलते हैं आप वीडियो क्यों बनाती हैं मम्मा, मुझे तो बहुत डर लगता है वीडियो से, और ख़ुद मेरी वीडियो बनाते फिरते। तो थोड़ा सा टाइम बाकी था मेरे पास, तो मैंने सोचा जार रिफ़िल कर देते हैं हम अपने, मैक्रोनी, दलिया वगैरह ये सब ही ऐड करना था मुझे, क्योंकि ये सब ख़त्म हुआ हुआ था। अच्छा, बच्चे कुछ खाते हैं लेकिन स्नैक्स ज़्यादा पसंद होता है, दलिया वगैरह ये मैं ज़बरदस्ती ही खिलाने की कोशिश करती हूँ। तो ये हमारे कढ़ी का सामान आ गया, हरा मसाला, थोड़ी प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, कड़ी पत्ता वगैरह ये हमने कट कर लिया। यहाँ पर मैं इन चीज़ों का तड़का दूंगी इसको ज़बरदस्त सा, और यहाँ ये पकोड़ों में ऐड करूँगी। अब फाइनली अब बनेंगे हमारे जाकर कढ़ी के पकोड़े, बाकी तो हमने बनाकर बच्चों को खिला दिए चिप्स वाले। तो अब यहाँ पर मैं अच्छे खासी, ये फिर भी बन गए थे, 3 से 4 कढ़ाई मैंने निकाली थी, बेसन अच्छा खासी है, इसमें थोड़ा कम ही लग रहा है आपको वीडियो में। तो बस इस तरह से हमने अपने कढ़ी के पकोड़े फाइनली रेडी कर लिए हैं। अब हम कढ़ी के अंदर ऐड कर देंगे इसको,
अगर आपको डायरेक्ट ही डालने हैं, कड़ी उबॉयल हो रही हो, हाफ डन हो गई हो, और अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डिप नहीं कीजिएगा पानी में, और अगर कड़ी रेडी है तो फिर आप बस पकोड़े डालकर पानी में डिप करके रखेंगे और पकोड़े डालकर तड़का अच्छा सा दे देंगे। अच्छा, मैं हरी मिर्च भी शामिल करती हूँ इसके अंदर, तड़के के अंदर, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लगता है। और अगर आपके पास बड़ी वाली हरी मिर्च हो ना, तो उसमें कट करके चाट मसाला ज़रूर भर के तड़का दीजिएगा, बड़े मज़े का लगेगा। तो यहाँ पर मैंने अजवाइन और कुटी हुई मिर्च का भी तड़का दिया है। पिसी हुई मिर्च मत ऐड कीजिएगा तड़के में, क्योंकि उससे आता है कच्चा सा टेस्ट आता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। यहाँ हमारी टेस्टी कड़ी बिल्कुल रेडी है। ज़रूर एक बार मेरी रेसिपी भी ट्राई कीजिएगा। होपफुली आपको आज वीडियो एंड ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट और बहुत ही अच्छी रेसिपी वीडियोज़ के साथ। और यहाँ पर हमारे राइस मैं सोक करके रख दूँगी, जैसे ही हस्बैंड आएंगे हम फटाफट चावल बनाकर अपनी कड़ी से चावल इंजॉय करेंगे। और हमारे यहाँ तो हर चीज़ के साथ चावल ही पसंद करते हैं, चाहे अंडा बॉयल भी रखा हुआ होगा ना, तो उसके साथ सभी लोग बोलेंगे चावल ही खाना है, हमें कुछ और नहीं खाना है। तो मैं यहाँ पर चावल बना ली और आपसे चाहती हूँ इजाज़त। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।